अरे बारिश आ गई, जल्दी लाओ बटाटा वाला, कहाँ है, क्या मौसम हो गया बढ़िया सा। तो फ्रेंड्स, हमारी जो है वो बड़ा पाव की पार्टी शुरू होने जा रही है और मैं और तलने जा रही हूँ। नमक, थोड़ा पानी। बादल छाव है, बारिश हो रही है, लता कुछ तला मला खाने का मन कर रहा है। कहाँ हो रही है बारिश? नहीं हो रही तो क्या हुआ, हो जाएगी, माहौल तो बन रहा है ना, बारिश का मौसम है, हम भी तैयारी कर लेते हैं। ये मेरे पतिदेव और आपके खाओ दोस्त, इन्हें बारिश नहीं हो रही है ना, चार बादल दिख जाएंगे तो भी कुछ तला खाने का मन कर जाएगा। बताइए क्या खाना है? बटाटा वड़ा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा ना आलू रेडी रखती हूँ, आलू उबले हुए हो ना तो बस फटाफट कुछ भी बन सकता है। तो बटाटा वड़ा तो आप लोगों ने खाया होगा फ्रेंड्स, वड़ा पाव कहते हैं जिसे, लेकिन मेरे हाथ का जो है ना थोड़ा सा अलग होता है और संजीव जी को बहुत पसंद आता है। तो हर एक के हाथ का जैसे अपना स्वाद होता है, तो मैं आज शेयर करती हूँ बटाटा वड़ा, उसके साथ जो खास चटनी बनती है उसकी भी रेसिपी। तो आलू मैश कर दिए फ्रेंड्स, और अब बना लेते हैं हम हरी चटनी। ये सिर्फ वड़ा पाव के साथ ही नहीं, ये चटनी आप कभी भी बना के खाइए, बड़ी सिंपल है, कुछ खास ऐसा नहीं है इसमें, लेकिन बड़ी स्वादिष्ट लगती है। तो आपका जो भी चटनी का वर्जन हो आप मुझे जरूर लिख के बताइएगा। तो मैंने डाल दिया है इसमें धनिया, धनिया अच्छी क्वांटिटी में डाल देंगे, और साथ में जो है डाल रही हूँ हरी मिर्ची, हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, लहसुन साथ में, मैंने एक बड़ा पॉट लिया है, आप चाहे तो और भी ले सकते हैं, नमक, थोड़ा पानी। धनिया सेटल हो जाए तो थोड़ा और धनिया डाल सकते हैं, हरी मिर्ची लगी गले में। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी इमली या नींबू ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर पे बहुत ज्यादा खट्टा पसंद नहीं करते खाना, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, ऐसे भी बहुत अच्छी है। तो आलू अभी भी नहीं बनाए फ्रेंड्स मैंने, पहले मैं ले रही हूँ बेसन, ये घोल इसलिए रेडी कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सेट हो जाता है। तो ये मैंने ले लिए 4 चम्मच बेसन, 4 या 5 आप अंदाजे से ले सकते हैं, जितना बैटर है उस हिसाब से 5 ले लिए मैंने। तो मैंने 5 चम्मच अगर बेसन डाला तो 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ चावल का आटा, और ये आप किसी भी चीज में डालेंगे ना तो एकदम क्रिस्पनेस आती है। 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 चम्मच अदरक की पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी ये ऑप्शनल है, कश्मीरी लाल मिर्ची, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब इसे हम घोल लेंगे। लाइफ में जब पहली बार मैंने 2000 में खाया था वड़ा पाव, जब मुंबई आई थी नई नई, तो मैं क्या बताऊँ, अभी आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, बहुत ज्यादा थिक नहीं रखेंगे। अब एक बार जो है जब हम बिल्कुल बनाने जाएंगे ना, अभी बाकी चीजें रेडी करूँ, फिर एक बार फिर से हम कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। तो ये ओहो, ये चीज मैं कैसे भूल गई, मेरे पति देव को जो है मिर्ची बहुत पसंद है, तो मतलब वड़ा पाव आएगा उसके पहले तली हुई मिर्ची प्लेट में होनी जरूरी है। तो कई लोग नमक लगा के तलते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बस इसे स्प्लिट करके तल। तो वही फ्रेंड्स की जब मैं नई नई मुंबई में आई थी ना, एक्चुअली हम लोग कड़ी पत्ता को मीठी नीम बोलते हैं, तो मैंने जब फर्स्ट टाइम वड़ा पाव खाया, बटाटा वड़ा खाया, तो सच बताऊं अब तो मैं नीम मुंबईकर हूँ, लेकिन जो मुंबईकर्स हैं उन्हें बुरा ना लगे इस बात का, मुझे बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगा था। थोड़ा सा हम डालेंगे कुकिंग ऑयल आलू के लिए, तो अच्छा इसलिए नहीं लगा था क्योंकि हमें कड़ी पत्ता और राई का इतना फ्लेवर नहीं था। मैं यूपी को बिलोंग करती हूँ तो वहां पर हम लोग जीरा ये ज्यादा खाते हैं, धनिया, इनके फ्लेवर ज्यादा रहते हैं, कड़ी पत्ता और राई का इतना नहीं था। तो मुंह में आ रहा था कहीं कड़ी पत्ता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अरे ये कैसा टेस्ट है, अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मतलब अगर रोज मिले तो रोज खा लूं, सच इतना पसंद है। तेल गरम हो गया, उसके बाद डाल देंगे हम हींग, राई, कड़ी पत्ता क्योंकि गीला है थोड़ा उछलेगा, ये सब लोग नहीं ऐड करते हैं, कहीं कहीं के वड़ा पाव में एडेड होता है मसाले में, दैट इज गार्लिक, बारीक कटा हुआ लहसुन, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, मेरी क्या आदत है, मैं इसी में जो है थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, अगेन कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, थोड़ी सी डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है फ्लेवर इसका इसलिए, एंड कलर हल्का सा आलू का अच्छा लगता है, और अंदाजे से नमक भी डाल देती हूँ। और अब डाल देंगे आलू, थोड़े थोड़े डालेंगे और हिलाते जाएंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है कि कोई चीज ऐसी आपको जो पहले खाने में पसंद ना हो और उसके बाद बहुत पसंद आने लगी हो, तो जरूर लिखिएगा। और बारिश के सीजन में कौन सी रेसिपी देखना चाहेंगे वो भी लिखिएगा। आलू हो गए हैं रेडी, अब मैं इन्हें ठंडा होने डाल देती हूँ थाली में ताकि इनके बड़े बनाए जा सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका स्वागत है। मैं लता सबरवाल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी बहुत सारी रेसिपीज। इनफैक्ट थाली रेसिपीज की प्लेलिस्ट भी मैं ऊपर अटैच कर दूंगी। और इजी वेज रेसिपीज हैं सारी, इसके साथ मेकअप एंड स्टाइलिंग द इजीएस्ट वे एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स। अच्छा फ्रेंड्स, ये आलू ठंडे हो चुके हैं तो मैंने कहा इसके बटाटे बनाऊं। और एक चीज जो है थोड़ी सी अलग होती है मेरे बटाटे बड़े में, ये मुझे गोवा की याद दिलाती है। जब हम गोवा जाते हैं तो रास्ते में कुछ ठेले होते हैं जो बेचते हैं वड़ा पाव, वहां पर इस तरीके के वड़ा पाव मिलते हैं जो थोड़े से फ्लैट होते हैं। मतलब एकदम ऐसे ये वाला राउंड बॉल नहीं होता है, लेकिन थोड़े से फ्लैट होते हैं। और मुझे पर्सनली जो है ये वाले ज्यादा पसंद है। ओहो, क्या खुशबू आ रही है अभी से। ओहो, बढ़िया खींचा चलाया मैं तो। बारिश आई नहीं, आपकी खुशबू आ गई। अरे हरी हरी हरी, मैं बैठ के ना गाने ही गा रहा हूँ कब से, मैं इसको बुला रहा हूँ। तुम बनाओ फटाफट जल्दी बटाटा बड़े, कैसी खा लेंगे। क्या कर रहे हैं? चल ठीक है, जल्दी करें। वैसे बादल तो काफी घने आ गए फ्रेंड्स, लगता है संजीव जी की बात सच्ची होने वाली है और शुरुआत की जाएगी हरी मिर्चों के तले जाने से ताकि ऑयल में चिली फ्लेवर आ जाए और मैं भाग जाऊंगी दाल के। तो खाओ दोस्त का रिएक्शन देखे बिना मन जाएगा, कैसे लगे बटाटे बड़े वही बताएंगे। ये देखिए बारिश आ गई है। किससे नींद खुली है मम्मी आपकी, क्या कह रहे हो? सच्ची से बताऊं? हाँ, अरे मैं सो रही थी ना, आंखें खुली, इतनी तेज खुशबू आ रही थी, क्या फिर याद आया कि आज आप करने वाले हो। आलू की खुशबू आई होगी। हाँ, तो ट्राई जरूर कीजिएगा, मम्मी ने बोल दिया खुशबू आ रही है। बस ये हो गया तेल अच्छे से गरम, प्याज को मीडियम ही रखेंगे, बहुत तेज नहीं रखेंगे। और कंसिस्टेंसी बेसन की कुछ चेंज वेंज नहीं करनी पड़ी मुझे। सिद्ध ही कर दी मैंने, यही होता है जब कोई चीज तलते हैं हम कभी तेज कभी सिम, हमें ना बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। डल जाएंगे क्या इकट्ठे की नहीं, अभी जो डल जाता है ना इसलिए। वैसे तो फ्रेंड्स, मैं अभी काले बर्तन इस्तेमाल करना अवॉइड करती हूँ बिल्कुल, लेकिन आज हमारी जो कढ़ाइयाँ थी स्टील वाली, उसमें कुछ ना कुछ सबने बना हुआ है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। एंड मैं जब वो अंगूठे से ऐसे पकड़ के डाल रही थी ना बड़े पाव में, तो ये देखिए गड्ढा सा आ रहा था, मेरे अंगूठे का निशान आ रहा है बार बार, बेसन निकल रहा है। तो मैंने खुद ही ये चीज़ देखी कि अगर मैं फिंगर से ऐसे पकड़ के डाल रही हूँ तो ऐसा नहीं हो रहा, तो आप ये गलती मत कीजिएगा ताकि ऐसे गड्ढा सा नहीं हो जाए उसमें। अरे बारिश आ गई, जल्दी लाओ बटाटा बड़ा, कहाँ है, क्या मौसम हो गया बढ़िया सा। आ गई आ गई, आप भी जल्दी आइए लीजिए। अरे वाह, लाओ जी लाओ, क्या टाइमिंग है तुम्हारी, बारिश भी लाई और तुम बटाटे बड़े ले आई। अभी बनाइए आप। अरे बनाते हैं, लाओ लाओ लाओ, बहुत आसान तरीका है बनाने का फ्रेंड्स, लेकिन बनाना वैसा ही चाहिए। चटनी भी बना दी मैंने और हरी मिर्ची भी रेडी है। ये चटनी जो दूसरी है ना, रेड सूप वाली फ्रेंड्स, ये आपको रेडीमेड लेनी पड़ेगी। इसकी रेसिपी दिखा सकते हैं आप कभी? बड़ी मुश्किल है यार, बाजार में अच्छी मिल जाती है रेडीमेड। अच्छा, तो ये महाराष्ट्र की स्पेशल रेसिपी, ये देखिए मैंने डाली है मुझे चटनी। लाओ लाओ, हम से वेट नहीं हो रहा। ये देखो, अब लगाई मैंने इसमें हरी चटनी और अब डालूंगा मैं उसमें ये लहसुन की लाल लाल चटनी। आप इतने स्वाद से बना रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो। और ये गर्मा गर्म बटाटा वड़ा, बहुत गर्म है, बना इसके अंदर। और ये इनकम्प्लीट है बिना इस तली हुई हरी मिर्च के। क्या कहा था मैंने? वाह, ठीक बन गया। मुझे ना यहाँ खाने का मजा नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ वहाँ खिड़की के पास, है ना, बारिश को देखूंगा और बटाटे बड़ेगा और काम काम बता दूंगा। एक बार खिलाएंगे मुझे, देखो कैसा बना, और बनाती हूँ फिर जाके। नो डिस्टर्बेंस। वाह, मजा आएगा।
तो फ्रेंड्स हमारी जो है वो वड़ा पाव की पार्टी शुरू होने जा रही है और मैं और तलने जा रही हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगा ट्राई जरूर कीजिएगा एंड लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, तो चार्ज भी आराम से खा सकते हैं। ओके सी यू, थैंक यू।